हेलो हाय नमस्कार और प्रलाग आप सभी को मेरा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए कर लेते हैं एक और नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। आज जगह कुछ चेंज दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे कि बोला था मैंने कल के ब्लॉग में, मैं जा रही हूँ मायके भिटोली लेने। नम्मू और मैं आए थे सुबह सुबह, अभी शाम अब गाड़ी आएगी और हम ना लीती जाएंगे लीती। तो इसने बता दिया है। मैं हूँ अभी सामा वाले मायके में, जो मैंने कभी नहीं दिखाया। तो यहाँ की भी कुछ यादें हैं मेरे साथ, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ मैं बचपन से रही घरी। कहाँ गई निकिता? अभी कपड़े उठा के गई हो, उसके बराबर मैं यहाँ आ गई थी। तो तब से मैं यहाँ रही हूँ, मतलब शादी के बाद। और हम तीनों जा रहे हैं गाँव, ये देखो। और हम तीनों जा रहे हैं, ये है सबसे छोटी वाली बहन मेरी, चाचा की बेटी। तो इसकी उम्र में मैं यहाँ आ गई थी, तो चाचा लोगों ने ही मुझे पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाई, शादी करी। तो परिस्थिति उस समय ऐसी थी, तो इसके बराबर मैं यहाँ आ गई थी 8 पास करके। तो ये अभी 8 में है, 8 का पेपर दिया है, ये पास कर दे करेगी अभी। तो इस उम्र में मैं यहाँ आई। अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ का पूरा सब। तो पहले यहाँ पे वाले मकान में रहते थे, जो ये इधर वाला दिख रहा है बिजली के पोल के ठीक ऊपर वाले में, यहाँ पे किराए में रहते थे। नीचे जहाँ पे जंगले हैं रोड के ऊपर वाले, यहाँ पे चाचा की दुकान थे और ऊपर में हम रहते थे। अब तो ये वाला बन गया है और यहाँ से कुछ ऐसा है नज़ारा। तो यहाँ से है ये मेरी चाचा चाची की दुकान। ऐसे तो दुकान में आपको सब कुछ मिलेगा, सारा सब्जी, राशन पानी, साग सब्जी। ये है चाची, हेलो बोल दो। ये यहाँ से लेके, हाँ मैं बताती हूँ, नहीं मोती नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ ले जाती हूँ आपको, चल यहाँ खोल। तो पहले यहाँ पे हुआ करती थी मेरी मशीन, तो अब तो वहीं शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पे कपड़े सिलती थी मैं। यहाँ से देखने के बाद कुछ ऐसा है, अब तो ये सारे मकान ही मकान बन गए, पहले नहीं थे। बाकी इस साइड को अखरोट के पेड़, यहाँ भी अखरोट के पेड़। बाकी यहाँ अब भी दुकान का सारा सामान रखा रहता है। तो यहाँ पे बाकी ये चाचा का है सामान सारा, फोटो स्टेट सभी कुछ, ये मिक्सिंग का लैपटॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे एक मशीन, एक पीको मशीन, उसके पीछे इंटरलॉक। अब टेलरी का काम तो बहुत ही कम होता है, पूरा घिचर पिचर हो गया। दुकान का सामान इतना ज़्यादा हो गया, नहीं इसी के लिए मुश्किल हो गई। और यहाँ से देखो ये ड्रम जो होता है ना, उसको यूज करके उसमें मिट्टी भर के इतना मस्त सा गमला। ये नीचे जाने का रास्ता है, एक मंजिल दो मंजिल नीचे है। बाकी ये दुकान होगी 3 मंजिले पे रोड के अगल बगल। फिर बाकी इसके ऊपर है CSC सेंटर, कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं, सारे कागजात बनते हैं, यहाँ पे किराए में है ऊपर में। बाकी ये दुकान रही। सो अभी यहाँ से चलते हैं घर के अंदर नीचे, जहाँ कमरा है रहने का। यहाँ कुछ ऐसा अंधेरा है, एकदम लाइट की जरूरत पड़ती है। पहले यहाँ से इस वाले कमरे में ले चलते हैं। तो दोस्तों आते ही फर्स्ट में एक कमरा है, ये ऐसे देखो, पहले ऐसे दिखाती हूँ, पहले तो यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ देख, ये है सबसे बड़ी वाली बहन, इसका ऑनलाइन क्लास है, तो ये क्लास कर रही है। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है चाचा जी का ये मिक्सिंग का सेटअप, ये यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रही है। बाकी इस कमरे में रहे ढले यहाँ सारे किताबें, एल्बम वगैरह वगैरह, कैसेट देखो, ये लोगों के बरातों के, ये सभी बरातों के कैसेट हैं यहाँ से लेके, यहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये क्लास कर रही है, बाय। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे कमरे में। यहाँ पे एक छोटू सोया है, छोटा भाई, सबसे छोटा वाला भाई, ये यहाँ पे सोया है। अभी अभी नींद आई है इसको। बाकी एक
यहाँ पे भी मिक्सिंग का सामान है, कैमरा है, यहाँ चाचा जी हैं। हेलो हेलो बोल दो। हेलो। तो बाकी यहाँ पर बिस्तर है, ऐसे ही है, बच्चों बच्चों वाला घर है। क्या ढूंढ रहे? ये पंजाबी बारात की देख रहे हो? अच्छा, यहाँ भी बारात का सामान है, लोगों के पैसे होते हैं यहाँ सारे, पैसे के ही हुए, कैमरा हो गए, सारी चीज़ें। दोस्तों ये चाचा का परिवार है, इसमें तीन बच्चे, अपना चाचा, अभी लड़का तो फिर बाद में हुआ, अभी छोटा ही है वो। तो ये बाकी परिवार है, और ये हमारी अम्मा है, और ये ऋतु हो गई, ये मानस हो गया जब कृष्णा वगैरह बने थे। अभी ये पूरी फैमिली फोटो है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे बूबू जी हैं, ये अम्मा हैं, और ये यहाँ पे चाची की मम्मी हैं, बाकी ये हैं यहाँ पे। दोस्तों इस कमरे के अलावा भी एक कमरा यहाँ पे है, इसमें है मंदिर, और जो कि ये कमरा किचन के लिए बनाया था, तो पूरा यहाँ से धुआं धुआं हो जाता था कमरे में, तो किचन नीचे वाले में शिफ्ट किया है और यहाँ मंदिर बनाया। बाकी एक कमरा, ये एक कमरा जो यहाँ पे बताया था मैंने, वर्षा को दिखाया था, वो क्लास कर रही है, वहाँ पे है। सो अभी आ गई हूँ मैं सबसे नीचे वाले में, फर्स्ट मंजिल में। तो इस कमरे को भी दिखाती हूँ, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हैं मेरी बचपन की। यहाँ पे बिस्तर है, पहले तो बेड हुआ करता था, इसके नीचे पूरा गड्ढा है, ये पार्टीशन कर रखा है, तो यहाँ पे गड्ढा था, अब तो ये वाला बेड लगा दिया है यहाँ, ज़मीन वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सामान गिर जाता था। तो बाकी यहाँ पे रहते थे हम, 5-6-7 बच्चे रहते थे हम इस जगह में, और बाकी यहाँ सब बच्चे रहते। तो कुछ बच्चों ने ऐसा कर रखा है, बच्चे ही बच्चे हैं सभी, फिर उनके अलमारियाँ। बाकी यहाँ से किचन है, और ये है बीच वाली बहन, इधर बोलो, देख बर्तन धो रही है, हेलो तो बोल दे। हेलो। तो ये क्या रही, इसका नाम ऋतु। बाकी यहाँ किचन ऐसा है, तो यहाँ ये सारे क्रोशे से बने हुए ये शोपीस लगा रखे हैं, ये पहले के समय में बहुत ही चलते थे। और बाकी यहाँ किताबें ढक रखी हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ से सब इनके अंदर किताबें होंगे, बच्चे इतने बच्चे हुआ करते थे हम यहाँ पे। तो ये सबसे नीचे वाले फर्स्ट मंजिले का आंगन है, और इसके बगल में ये पिंक कलर वाला चाची के मायके वालों का घर है, ये भी 2-3 मंजिला तक है ये। और तो हम यहाँ पर ही बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। तो मैं इतने सारे बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तीन बच्चे चाची के हुए, तीन लड़कियाँ, तीन बच्चे चाची के भाई के हुए, 6, एक में हुई, 7 हुई। तो 7 बच्चे हम इस कमरे में रहे ठहरे, जो मैंने ये कमरा दिखाया, 7 बच्चे हम रहे ठहरे। अभी तो फिलहाल 3 चाची के बच्चे लड़कियां और एक लड़का, छोटा लड़का बाद में हुआ मेरी शादी के बाद, तो वो है यहाँ पे बस, बाकी चाचा चाची और बाकी कोई नहीं रहता है अब, मतलब इन्हीं की परिवार रहती है। तो मैं भी आती हूँ, और इससे पहले के ब्लॉगों में मैं भी आती थी, बैठती थी यहाँ पे, बस ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज टाइम मिला तो ब्लॉग बना लिया मैंने। और अब चलते हैं सबसे ऊपर। तो ये है 4th मंजिल की छत, तो अभी मैं पापा की छत में आई हूँ। ये तो वो वाला एरिया है, और ये वाला छत वो है जो चाची लोगों के मायके वालों का है। तो इसमें है होम स्टे, चाचा लोग ही कराते हैं होम स्टे में, जो रहने के लिए आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था, घुमाने की व्यवस्था तो चाचा ही करते हैं। बाकी जो भी होम स्टे में गेस्ट आते हैं, उनको खाना पीना बनाने की बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है, तो वो करते हैं मेरी बहनें, जो चाचा के बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ, और बड़ी हैं एक, सबसे बड़ी है वर्षा, जो इंटर पास करके JEE नेट की तैयारी कर रही है, और 2nd नंबर की है ऋतु, जो अभी 11 में है, और 3rd नंबर की है निकिता, वो है अभी 8 में, और सबसे छोटा है, वो छोटा ही है, अभी 2 साल का है, जो सोया था। और बाकी चाचा जी हैं फोटोग्राफर, और चाची जी है टेलर मास्टर, पहले की, अब बहुत सारा कारोबार हो गया है, दुकान हो गई है, सारा सामान दुकान में सब कुछ A to Z जो भी होता है सब मिलेगा। चाचा जी फोटोग्राफी भी करते हैं और होम स्टे का कार्य भी करते हैं, लोगों को, टूरिस्ट इधर उधर आते हैं तो उनको घुमाने भी ले जाते हैं। तो बाकी मैंने सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, यहाँ आके मैं सुबह आ गई थी, सुबह से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि चाचा जी का भी यूट्यूब चैनल है मोहन फोटो स्टूडियो करके, तो वो अपने चैनल में क्या कहते हैं, बारात वगैरह की वीडियोज़ डालते रहते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, होम स्टे का कॉन्टैक्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी को आना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अच्छी व्यवस्था मिलेगी होम स्टे का टूर, बाकी बाद में कराऊँगी मैं। और
फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा व्यू बनता है। यहाँ से नीचे को रोड जाती हुई दिख रही है आपको, ये सीधे इंटर कॉलेज में पहुंचेगी। यहाँ पे नीचे नीचे टीन सेट के छत दिख रहे हैं, वो आगे बहुत नीचे, और बाकी एक ये ऊपर की रोड है, ये मेरे मायके लीती जाएगी। और यहाँ जो ये वाला एरिया दिख रहा है ये मेयर मार्केट है, तो मेयर मार्केट से आते हुए ये रोड है, इससे आगे को मुंशारे रोड और रमाड़ी रोड जाती है। ये वाली रोड जो है ये लीती को गई, और जो ये नीचे को आ रही है इंटर कॉलेज को गई। सो दोस्तों थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ दिखा दिया है, क्योंकि अभी हम लोग हैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो भी मैं अभी इस समय में हूँ वो सब चाचा जी की वजह से और चाची की वजह से हूँ, जो मैंने सिलाई सीखी और ये वीडियो बनाने का शौक़ वगैरह वगैरह है, ये सब चाचा और चाची लोगों के उससे मेरा भी ये हुआ है। और क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे, चाचा ने जो भी ये मकान सब कुछ कर रखा है ये सब अपने बलबूते पे, सिर्फ अपने बलबूते पे। जो हमारे बुबू थे घर के, मतलब वो एक ग्वाले जो होते हैं वो ग्वाले थे, तो जो भी कारोबार है ये सब चाचा ने अपने बलबूते पे कर रखा है, और बाकी मेरे को भी अपने बलबूते पे खड़ा किया है। तो काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं अपना चाचा और चाची के, उन्हीं के प्रसाद मैं आज इस जगह पर हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं। ये देखो ये रहा हीरामणि होम स्टे, कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके ऊपर में है होम स्टे के 4 कमरे, बाकी नीचे भी हैं, और इससे नीचे 2 मंजिले में किराए में है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरी बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई यहाँ आके। और इस वाले छत में तो हम इतना बैठे रहे धूप सेकने के लिए, बाकी कपड़े वपड़े डालने का इधर ही को है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो ऐसी थी, फिर पूरा अपना एरिया दिखाया, बचपन की यादें ताज़ा हुई, और अपना चाचा चाची का घर दिखाया। अभी फ़िलहाल ऐसी सामान घिचिर पिचिर हो रहा है, तो कुछ ऐसी ही वीडियो बनी, और मैं मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय एंड गुड इवनिंग। Thank you.